रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी फूड विद रुखसार। आज हम आपको देसी घी से बहुत ही मज़ेदार सा शीरकुरमा बनाना सिखाएंगे, जो कि बच्चे बूढ़े हर एक की पसंद होता है और हर घर में बहुत ही शौक से खाया जाता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये मेवा है, जिसे किशमिश भी बोलते हैं। थोड़े से तिल लेंगे, बादाम बारीक कटे हुए इस्तेमाल करेंगे और 3 इलायचियाँ लेंगे। इसके अलावा सेवैयाँ 1/2 कप यूज़ करेंगे हम। इसको बारीक क्रश कर लें। देसी घी 4 खाने के चम्मच, 4 टीस्पून यूज़ करेंगे। चीनी भी 1/2 कप यूज़ करेंगे। चांदी के वर्क और दूध 1/2 किलो लेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बर्तन में हम देसी घी को डालेंगे। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और जायका भी बहुत मज़े का बनता है। इसके अंदर इलायचियाँ डालेंगे, इसके बाद इसमें हम सेवैयाँ शामिल कर देंगे और थोड़ा सा भुनेंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हम ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। आप इसे अपने घर में ऐसे ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत पसंद आएंगी। अब चीनी भी शामिल कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती। कोई भी मेहमान अगर आ जाए तो आप जल्दी से तैयार करके सर्व कर सकती हैं। इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे ताकि दूध में उबाल भी आ जाए और सेवैयाँ भी गल जाएं। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद दूध में उबाल आना शुरू हो गया और सेवैयाँ भी हमारी गल रही हैं। दूध को हमने थोड़ा सा गाढ़ा करना है। जैसे ये थोड़ा ही, आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है और कलर भी कितना अच्छा आ रहा है इसका। बस अब जल्दी से ये तैयार हो गया है, ये देख सकते हैं ये क्वांटिटी हो। जब ये फॉर्म हो जाए तो इसे हम सर्व करेंगे। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, किशमिश डालेंगे। बादाम डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से भी जो चीज़ें गार्निशिंग में पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। अब हम इसमें तेल डालेंगे। ये बहुत ही हेल्दी भी होती हैं और
बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप इसको घर में बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी कैसी बनी। अब हम चांदी का वर्क डालेंगे। ये देखिए हमारा शीट नुमा बन के तैयार हो चुका है। दिखने में कितना लजीज लग रहा है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।